तो बड़ी खबर यहाँ पर, सरकारी डॉक्टर आज स्वास्थ्य मंत्री को सौंपेंगे सामूहिक इस्तीफा। जी हाँ, आपको बता दें कि सीडा यानी कि स्टेट इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले 500 डॉक्टरों का सौंपा जाएगा ये इस्तीफा। ओपीडी के समय में हुए बदलाव को लेकर नाराजगी दिखाई जा रही है, डॉक्टर नाराज हैं ओपीडी का समय में परिवर्तन को लेकर। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवम मिश्रा। शिवम, जिस तरीके से देखा जाए आज स्वास्थ्य मंत्री को सामूहिक इस्तीफा सौंपा जाएगा, इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना गहरा असर पड़ने वाला है? क्या जो ओपीडी का समय है वो आखिर उस पर नाराजगी क्यों है डॉक्टरों को? जी देखिए, कुल सही बात है, लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग और एक तरीके से सरकारी डॉक्टरों के बीच लंबे समय से तनातनी थी, और इसी बात को लेकर के कि ओपीडी का जो समय है ये कहीं से भी तय नहीं हुआ जा रहा था, कभी जल्दी बुला दिया जा रहा था, कभी लेट तक रखा जा रहा था, इसी को लेकर के और भी काफी समस्याएं हैं डॉक्टरों को लेकर के, जैसे कि उनकी बीमा पॉलिसी और उनके प्रति रहने वाली जो और सब सुविधाएं होती है इसको लेकर के भी काफी समय से स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तनातनी मानी जा रही थी, और इसी को लेकर के एक जो अभी सरकारी डॉक्टर है जो आज बैनर तले इस्तीफा देने के लिए जाएंगे करीब दोपहर को स्वास्थ्य मंत्री के पास, इनको एक मुद्दा मिल गया है इस बात को लेकर के कि, और इसके जरिए अपनी एक नाराजगी जताने के लिए पूरा वहां पर कोशिश करने वाले हैं। शिवम, आखिर डॉक्टर चाहते हैं, आखिर इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि देखिए, पूरी तरीके से इनको जो सरकारी सुविधाओं में जो सुविधाएं प्राप्त होती है वो मिलनी चाहिए, इनको इनका समय सीमा तय होनी चाहिए, और इसी के साथ काफी कुछ और मांगे हैं इनकी जो वहां जाने पर आज पूरी तरीके से साफ समझ में आने वाला है। शिवम, ये 500 डॉक्टर अगर सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है हो सकता है ये काम भी बंद कर दें अपना, तो ऐसे में जो कौन कौन से अस्पताल हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो मरीज पहुंचते हैं उनमें जो काम है, जो मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं वो प्रभावित हो जाएंगी स्वास्थ्य सेवाएं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी के कुछ ऐसे बड़े अस्पताल है जहां पर दिन भर मरीजों का आना जाना लगा रहता है, और कई सारी आपातकालीन स्थिति भी बनती है, जैसे कि डीकेएस अस्पताल हो गया और डीके अस्पताल हो गया, ऐसे ही तमाम अस्पताल है जहां पर लगातार आपातकालीन स्थिति और मरीजों का आना जाना रहता है, और इन 500 डॉक्टर जब आज पहुंचेंगे स्वास्थ्य मंत्री के पास इस्तीफा देने के लिए, तो निश्चित तौर पर ये मान सकते हैं कि एक असुविधा बन सकती है लोगों के बीच, मरीजों के बीच, और इसका काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है आज अस्पताल में। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शुभम। और आपको बता दें कि जिस तरीके से 500 डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं उससे जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो अस्पताल है उसमें डॉक्टरों की कमी और डॉक्टरों की सेवाएं वो प्रभावित होंगी, जिसका सीधा सीधा जो भुगतना पड़ेगा जो मरीज और उनके परिजनों को। देखने वाली बात होगी कि इस पर स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ निर्णय लेता है।